गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 4 इज होमोलोगस सीरीज। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है और होमोलोगस सीरीज जो है में कौन कौन से जो कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं थ्रू एल्किन्स, एल्कीन एंड एल्काइन्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट होमोलोगस सीरीज। द कार्बन आर लिंक कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। मीन्स जब कार्बन एटम लिंक टुगेदर, मीन्स कार्बन एटम क्या हो जाते हैं, जब लिंक हो जाते हैं किसी अंदर कार्बन एटम के साथ टू फॉर्म ए वेरिंग फॉर्म ए चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। यहाँ पे क्या होती है, वेरिंग लेंथ की क्या हो जाती है, चेन फॉर्म हो जाती है। द चेन कैन बी ब्रांच ऑल्सो, मीन द चेन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एज वेल एज ब्रांच चेन में भी ये प्रेजेंस होती है। इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और अदर एटम दीज कार्बन एटम कैन रिप्लेस बाय एनी अदर फंक्शन ग्रुप। मीन जब भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बन चेन में से रिप्लेस एनी अदर हाइड्रोजन एटम विद एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, जब किसी हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं चेन से रिमूव करते हैं एज वेल एज एड सम फंक्शनल ग्रुप, सो टू फॉर्म, सो द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। मीन्स अगर हम लोग एल्कोहल फंक्शन ग्रुप को कार्बन चेन में एड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उससे उसमें जो एल्कोहल की प्रॉपर्टीज उस कार्बन चेन में प्रेजेंस हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल एथल, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3OH। इस तरीके से इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसे प्रोपाइल एल्कोहल C3H7OH एंड ब्यूटाइल एल्कोहल इज C4H9। ठीक है, ऑल आर सिमिलर। ठीक है, जो कार्बन जैसे कार्बन चेन में अगर सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। सो हेंस सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, हेंस सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप, मीन अगर कंपाउंड में क्या होना चाहिए, एक सीरीज है उसमें अगर सेम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं और अगर सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन द कार्बन चेन, अगर कार्बन चेन में हम लोग सेम फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्लेस पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक सीरीज फॉर्म हो जाती है। इस सीरीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता था, होमोलोगस सीरीज आर फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव कंपाउंड। इसके लिए कौन कौन से सक्सेसिव कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि जैसे मीथेन है या फिर इथेन। ठीक है, इसमें डिफरेंस किसने का होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। इसी तरीके से यहाँ पे इथेन एंड प्रोपेन, इनमें डिफरेंस कितने का होगा, सेम CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। और अगर इसी में हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन को अगर जब रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे एनी अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ तो फॉर्म क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे एक सीरीज फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन को हम लोग किससे रिप्लेस करके देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे है ये मीथेन। ठीक है, ये मीथेन का फॉर्मूला है, अगर इसमें हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, CH3। ठीक है, और इस हाइड्रोजन वैलेंसी यहाँ पे फ्री हुई है उसके प्लेस पर हम क्या जोड़ देंगे, एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा C2H5, उसके प्लेस पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इनमें डिफरेंस अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनी अदर सीरीज में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस होता है और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 14 यूनिट मास का, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 14 यूनिट मास जो डिफरेंस होता है वो प्रेजेंस होता है। ठीक है, मीन CH2 की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 14 के इक्वल आती है। तो अगर इसी टाइप की जो सीरीज फॉर्म होती है,
हम लोग और भी सीरीज देख सकते हैं। ये हमने अल्कोहल सीरीज देख ली। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी जो होगी, जैसे कि एल्डिहाइड अगर हम लोग जोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे सी एच जोड़ते हैं, मीन्स ये एल्डिहाइड सीरीज हो जाएगी। इस तरीके से इथेन में अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे सी एच जोड़ देंगे तो ये हमारी किसकी सीरीज हो जाएगी, एल्डिहाइड की। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दें टू रिमूव हाइड्रोजन COOH, तो ये हमारा हो गया एसिटिक एसिड। इसी तरीके से C2H5 इसके प्लेस पे अगर हम जोड़ दें C2H5 COOH, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोपाइल, यहाँ पे प्रोपेलोइक एसिड, मींस यहाँ पे प्रोपेलोइक एसिड जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज में, ईच सीरीज में CH2 यूनिट का जो होगा यूनिट का डिफरेंस होगा ईच सीरीज। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ देखा होमोलोगस सीरीज क्या है, कि ये सीरीज ऑफ कंपाउंड द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्लेस पे अगर सेम सब्स्टिट्यूट को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अगर 14 यूनिट का मास होता है तब भी हम इसको यहाँ पे होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच एंड कीप योर स्टडी वेल। थैंक यू।